क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग के सीरीज में, और एक नए लेसन के साथ, ट्रिपल सी के इस नए लेसन के साथ मैं ऋषि जी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आप लोगों को इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू कराऊं और आज की चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊं, आज का लेसन, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया वीडियो मैं लेकर आता हूँ या और कोई नया कोर्स लेके आता हूँ जो आपके काम का हो सकता है, या आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर आप देखते हैं उसे, तो वो आपके लिए आपको नोटिफाई होता रहेगा, वो आपको पता चलता रहेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेरे दिए हुए लिंक दिख रहे होंगे जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी तरीके के नए अपडेट आपको यहाँ भी मिल सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों को, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे अब दो लास्ट वीडियो है, तो कि अगर आप लोगों को मेरी सीरीज़ में कोई वीडियो पसंद आती है या ये आपको कैसा लगा ये सीरीज़, तो इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो को, ताकि लोगों को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, कि और हमें भी एक सजेशन मिलता रहे कि हम कैसा काम कर रहे हैं, और आगे फिर हम इसी तरीके से और भी दूसरे वीडियो फिर उस हिसाब से बना पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो नंबर सिस्टम, क्योंकि हम कर चुके हैं कन्वर्जन, और उसके बाद आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किसी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। क्योंकि नॉर्मली किसी भी कंप्यूटर में काम किस पर होता है, या काम होता है तो क्या आता है, तो आप लोगों को मैंने बीच बीच में, जब हम इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को यही बताया था कि एक तो है कि हम यूज़र जो है अपना कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी काम करना चाहता है तो वो कंप्यूटर को बताता है। तो असल में ये चीज़ होती है जो यूज़र कंप्यूटर को देता है। तो डाटा, मैं एक शब्द का जिक्र करता था तो डाटा क्या होता है, या फिर मैं एक शब्द का जिक्र करता था कि कंप्यूटर काम करने के बाद जो रिजल्ट बनाता है उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो डेटा, इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें क्या होती है और कंप्यूटर्स में इन शब्दों का क्या मतलब है, इसको आज हम थोड़ा ज़रा डीप में समझेंगे। और यहाँ सबसे पहली चीज़ जो है कि डेटा क्या होता है। अगर मैं इसको एक प्रोफेशनल डेफिनेशन में नहीं बल्कि एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि डेटा क्या होता है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, डेटा का मतलब किसी भी तरीके के एक ऐसे सोर्स से है जिसकी मदद से आपको किसी तरह के ताल्लुक, किसी तरह का लॉजिक, किसी तरीके का रिलेशन, ये सब चीज़ें, या किसी की डेफिनेशन, इन सब चीज़ों का पता चलता है, वही आपका डेटा होता है। डेटा देखिए यहां पर क्या बता रहा है, डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। जो मैंने बोला कि ऐसा कोई भी सोर्स जो रिप्रेजेंट करे फैक्ट्स को, यानी जिसे हम तर्क कहते हैं, कॉन्सेप्ट को, यानी जो थ्योरी होती है, जो लॉजिक होते हैं वो, या किसी तरह के ऑर्डर को, किसी तरह के इंस्ट्रक्शन को डेटा में लिखा हुआ होता है, तभी तो हमें समझ में आता है ना, इन अ फॉर्मलाइज मैनर, और एक फॉर्मल मैनर में ये हमें रिप्रेजेंट करके देता है, विच शुड बी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, जो कि इस तरह से हो कि कम्युनिकेट हो पाए, कि एक बंदे ने अगर लिखा है तो दूसरे के पास पहुंचने पर उसे समझ में भी आए, तो वो एक डेटा है, नहीं तो डेटा नहीं है। इंटरप्रेट हो सके, यानी कि वो लोगों के बीच में फैल सके, लाइन टू लाइन एक अच्छा सा मतलब निकाला जा सके, और साथ ही साथ वो ऐसा होना चाहिए कि किसी इंसान के समझ में आए, किसी मशीन के समझ में आए, और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। डेटा का मतलब इस चीज से होता है कि कोई भी ऐसा सोर्स जिसकी मदद से किसी तरह के फैक्ट्स का, किसी तरह के कॉन्सेप्ट का, या किसी तरह की इंस्ट्रक्शन का पता चले, वो हमारे लिए डेटा होते हैं। डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर लाइक अल्फाबेट्स, यानी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए A to Z, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, यूज होते हैं। डिजिट्स भी हो सकते हैं 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे अलग अलग तरह के साइन होते हैं, तो ये सारे साइन भी डेटा में यूज हो सकते हैं। और डेटा को एक फॉर्मल डेफिनेशन में किसी भी तरीके का रिजल्ट का, इसको हम यू कहते हैं, डेटा इज अ रॉ मटेरियल ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग वर्क, ये भी कहा जाता है कि किसी भी तरीके के प्रोसेसिंग के काम में या किसी भी तरह का रिजल्ट तैयार करने में डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि डेटा क्या हुआ, तो डेटा एक तरीके का रॉ मटेरियल हुआ किसी भी प्रोसेसिंग वाले काम का।
और प्रोसेसिंग के बाद क्या आता है, तो कोई रिजल्ट आता है या कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेटा इज़ अ रॉ मटेरियल ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि डेटा आप एक तरीके से ईंट की तरह ले सकते हैं, एक ईंट के साथ दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, हम ईंटें डालते जाते हैं डालते जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारा डेटा आता जाता है आता जाता है। और फिर जब हमारे पास बहुत सारा डेटा आ जाता है, 100, 200 या 10-20 पन्नों का, तो फिर उन सारे पन्नों को इकट्ठा करके पता चलता है, अरे वाह ये तो एक स्टोरी है। तो यही हो जाती है इन्फॉर्मेशन, फिर आपको चीज़ें खुल जाती है, चीज़ें मालूम पड़ जाती है। तो ये है डेटा। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो जैसे मैंने एक सिंपल लाइन में अभी आप लोगों को बताया कि डेटा इज़ अ रॉ मटेरियल ऑफ इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट या प्रोसेसिंग वर्क, इसी तरीके से हम इन्फॉर्मेशन क्या या रिजल्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। और यानी कहने का मतलब यह है कि जो डेटा होता है प्रोसेसिंग के बाद जो उसकी फॉर्म बनती है, यानी वो जो भी बन जाता है वही इन्फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। जैसे डेटा रॉ मटेरियल है इन्फॉर्मेशन का, वैसे इन्फॉर्मेशन डेटा का प्रोसेस फॉर्म होता है। इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज और क्लासिफाइड डेटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यू फॉर द रिसीवर। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको देता हूं ए, ए जो है एक डेटा हो सकता है, पर आपके लिए ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपको मैं ए के साथ अगर दो चार लेटर और देता या और कुछ चीज़ें मैं जैसे ये सारे लेटर देता तो एनालाइज बन जाता। तो हाँ ये सब शब्द एक बना कि हाँ भाई ये एनालाइज बनता है, मुझे कुछ एनालाइज करना है, ये काम आपको समझ में आता है। पर अगर मैं आपको खाली ए देता हूँ तो ये कोई चीज़ नहीं है, मेरी तरफ से तो मैंने डाटा दिया पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन्फॉर्मेशन तभी होती है जब दिया गया डेटा या क्लासिफाई किया गया जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर मैनर में पड़ा हो, विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यूज, जिसकी कोई मीनिंग निकलती हो रिसीवर के लिए, भेजने वाले के लिए नहीं, रिसीवर के लिए, भेजने वाले के लिए तो वो डेटा हो जाता है। इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा, यानी कि डेटा का ही प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, ऑन विच डिसीजन एंड एक्शन आर बेस्ड, और जिनके आधार पर किसी भी तरीके का डिसीजन या एक्शन या कोई काम किया जाता है। फॉर द डिसीजन टू बी मीनिंगफुल द प्रोसेस्ड डेटा मस्ट क्वालिटी फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी तरीके का रिजल्ट, किसी भी तरीके का प्रोसेसिंग काम हुआ तो उसका मीनिंगफुल अगर मतलब का आना चाहिए तो उसके लिए डेटा के अंदर ये खास क्वालिटी होनी चाहिए, तभी कोई मतलब का रिजल्ट आ सकता है। सबसे पहली चीज है कि आप टाइमली काम करें। इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ये है कि इस समय आप देखना चाहते हैं कि भाई टीम का स्कोर क्या है, और आपने कंप्यूटर को वो टास्क दिया और कंप्यूटर ने डेटा उठाया नेटवर्क में से, क्योंकि आपके पास तो डेटा नहीं है, इंटरनेट पे पड़ा होगा ना कि हाँ भाई क्या स्कोर चल रहा है या क्या टेम्परेचर चल रहा है, ऐसा कुछ भी, तो उसने इंटरनेट से डेटा उठाया, पर किसी वजह से आपके पास आते आते एक घंटा दो घंटा या सिस्टम हैंग हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बल्कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम, किसी भी प्रोसेस किए हुए डेटा को इन्फॉर्मेशन हम तब कहेंगे जब वो टाइम पे आए, जब ज़रूरत है तब। अब दो घंटे बाद अगर मेरे पास आती है इन्फॉर्मेशन तो मुझे तो पहले से ही कहीं और से पता चल गया है, तो फिर मेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं पहले से ही ले चुका हूँ। इसी तरीके से आपका जो डेटा है उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, यानी डेटा कहते हैं ना हम कि प्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए कि डाउट जाए या ऐसा कुछ, या हम मानने को तैयार ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट। और कंप्लीटेंस, इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, ऐसा नहीं होना चाहिए आधी इन्फॉर्मेशन आई फिर आधी इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं, पूरी आई ही नहीं। इन्फॉर्मेशन कोई भी तभी हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होती है जब वो हमारे रिक्वायरमेंट के टाइम पर मिल जाए और एकदम प्योर मिले और साथ ही साथ कंप्लीट मिले, आधी अधूरी ना मिले, तब हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, तब हम किसी भी तरीके के कलेक्शन ऑफ डेटा, इन्फॉर्मेशन ही होता है कलेक्शन ऑफ डेटा को हम कह सकते हैं, जी हाँ ये इन्फॉर्मेशन है। अगर उस कलेक्शन ऑफ डेटा में ये तीन चीजें नहीं है तो वो फिर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और यही कंप्यूटर का काम होता है जो आप लोगों को मैंने समझाया है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल भी इसी को कहा जाता है, जो हमारे कंप्यूटर का मैंने आपको प्रोसेसिंग वर्क बताया था कि डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या होता है। तो सबसे पहले काम किया जाता है इनपुट का, इनपुट डिवाइस के थ्रू, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो या और भी कोई दूसरा डिवाइस हो, उसके थ्रू, जो ये सर्कल में आप लोगों को ये सब मैं पहले भी समझा चुका हूँ पहले के चैप्टर्स में, तो उसके लिए आप वो देख लेंगे।
और इनपुट होती है इनपुट डिवाइस से, फिर वो प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसिंग होती है, और ये डेटा होता है यहाँ पर, और जब प्रोसेस हो जाता है तो जब आउटपुट आता है तो वो बन जाता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि रिजल्ट। डेटा प्रोसेसिंग इज द रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्डरिंग ऑफ डेटा बाय पीपल और मशीन टू इंक्रीज देयर यूजफुल एंड एड वैल्यू फॉर पर्टिकुलर पर्पस। कहने का मतलब, डेटा प्रोसेसिंग से ताल्लुक एक ऐसे तरह के काम से है जो कोई मशीन या इंसान करती है, उसको दोबारा से ऑर्डर में लगाने के लिए, दोबारा से मीनिंगफुल मैसेज बनाने के लिए। डेटा प्रोसेसिंग कंजिस्ट ऑफ बेसिक स्टेप्स, और इसको करने के लिए तीन काम होते हैं, चाहे वो कोई मशीन करे, चाहे वो कोई आदमी करे। आप जब तक सारी डेटा ले नहीं लेते, तब तक आप उसको फिर ठीक नहीं करते। अब जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक कहानी सुनाना शुरू करता हूँ, मैं कहता हूँ इस कहानी में लाइन आगे पीछे आपको ठीक करनी है, तो जब तक मैं आपको एक एक लाइन नहीं बता देता, तब तक आप काम शुरू नहीं कर सकते। तो मैं जब आपको लाइन बोल रहा हूँ, ये आपके लिए इनपुट हो जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से लाइनों को ऊपर नीचे या जैसे भी आपको लगेगा ठीक करने के लिए, कि हाँ इस कहानी की एक स्टोरी बन सके, इन लाइनों की एक स्टोरी बन सके, तो आप उसको फिर प्रोसेसिंग में लाते हैं। और फिर जब एक स्टोरी रेडी हो जाती है, तो आप उसको एक स्टोरी के तौर पर रिप्रेजेंट कर देते हैं और कहते हैं कि ये एक आउटपुट है। तो यही काम होता है कंप्यूटर में भी, हमारे कीबोर्ड की तरफ से इनपुट डाला जाता है और फिर हम कोई वर्ड टाइप करते हैं, अगर वो डिक्शनरी में है तो ठीक है, नहीं है तो रेड कलर की लाइन आ जाती है। यही काम हुआ डेटा प्रोसेसिंग, उसने बता दिया कि ये गलत है और वो अब आपको मैसेज दे रहा है इसको रीऑर्डर और उसको करेक्शन को ठीक करने के लिए। तो ये काम डेटा प्रोसेसिंग में होता है, इनपुट आउटपुट और इंफॉर्मेशन आप जानते हैं। और सिंपल भाषा में अगर हम डेटा को समझना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे वेब सर्वर और हम। भाई कुछ इंफॉर्मेशन फेसबुक पर मैं डालता हूँ, कुछ कोई डालता है, कुछ कोई डालता है, कुछ कोई डालता है, कुछ कोई डालता है, अलग अलग जगहों से डेटा मिला। और मान लीजिए हम किसी रिपोर्ट के लिए फीडबैक ले रहे थे अलग अलग लोगों से, तो अलग अलग, या हमने कोई वोट कराया है तो अलग अलग लोगों ने ये वोट किया, इधर से एक गया, इधर से एक गया, इधर से एक गया, और इधर इधर सब 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 जगह से एक एक वोट गया मान लीजिए, और ये सारा जाके स्टोर होता है आपके वेब सर्वर में। अब यहाँ जाकर कलेक्शन जो होती है उसको काउंट किया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, फिर पता चलता है हाँ जी इस चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, इस चीज़ में कम है, लोग ये ज़्यादा चाहते हैं, ये कम चाहते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो आपका इंफॉर्मेशन बन जाता है। और यही सिस्टम है डेटा या इंफॉर्मेशन का, इसी को हम कहते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आज की जो ये क्लास थी वो इसी बारे में थी कि कंप्यूटर में डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कैरेक्टर में या नंबर्स में या स्पेशल कैरेक्टर्स में डाली जा सकती है वो डेटा है, और इसी का प्रोसेस फॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो आपने इस पीडीएफ में नहीं देखा, वो होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसको समझने के जो मेथड है वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये असल में होने को आपके सिग्नल की फॉर्म में भी हो सकता है और आपके डेटा की फॉर्म में भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब किसी भी काम को करने के लिए दिए जाने वाले ऑर्डर से है, और इंस्ट्रक्शन देने के तरीके काफी सारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपने कंप्यूटर को बंद करना है, तो मैं यहां पर आके और यहां क्लिक कर देता हूं, ये बंद हो जाता है। माउस से दिया जाने वाला कोई भी बटन आप जब प्रेस करते हैं, तो कोई लिखी हुई चीज नहीं आती, बल्कि ये यहाँ से एक क्लिक पर सिग्नल जनरेट करता है और उस सिग्नल को यहाँ से फॉलो किया जाता है। तो यही चीज होती है इंस्ट्रक्शन। हालांकि इंस्ट्रक्शन हम ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे मैं अपने कंप्यूटर में, जैसे मुझे वर्ड खोलना है, तो मैं वर्ड खोलने के लिए यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ से रन कमांड खोलकर और ऐसे ये स्पेशल सिंटेक्स टाइप करके एंटर करूंगा तो भी वर्ड खुल जाएगा। तो ये भी इंस्ट्रक्शन देना ही हुआ, लेकिन ये तरीका जो मैंने आपको दूसरा बताया कीबोर्ड से, ये डेटा के साथ होता है। और आम तौर पर जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा नहीं होती है, बल्कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इस तरीके से हम कहते हैं, विच इज मेनली प्रोड्यूस सम मीनिंगफुल एंड फैक्टफुल इंफॉर्मेशन, फैक्टफुल रिजल्ट। तो इसके बारे में समझने के बाद नॉर्मली अब ये चैप्टर तो फिनिश होता है, और अगले चैप्टर में मैं आपको आई थिंक नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा।
और जो अब ये हमारा थर्ड लास्ट वीडियो है। इसके बाद दो वीडियो और होंगे और उनमें हम जानेंगे नेटवर्किंग के बारे में। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।